अगर आप एक एसबीआई, ज्यादातर जो भी ओनर हैं एसबीआई का अकाउंट अपने पास रखते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, या किसी भी बैंक का अकाउंट आपके पास है तो आपको कैसे अपना स्विफ्ट कोड मिलेगा बहुत आसान लहजे में और जेन्युइन तरीके से। आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए, सबने कुछ बकवास करी है भाई, और मैंने कैसे निकाला और पूरा रिसर्च के साथ मैं बताने वाला हूँ कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। बेसिकली देखो, बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ कि जब हमें इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना होता है, जैसे गूगल से, फेसबुक से आप यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हैं, वहां से जो पेमेंट आती है उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है स्विफ्ट कोड की। ठीक है, ये देखो आईएफएससी कोड को तो सबको पता होगा, आईएफएससी कोड के साथ साथ आपको स्विफ्ट कोड की भी जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये 8 से 11 करेक्टर का होता है। कितना? 8 से 11 करेक्टर का स्विफ्ट कोड होता है। शुरू के 4 करेक्टर जो होते हैं उसके बैंक के नाम से मिलते जुलते हैं, जैसे एसबीआई है, ठीक है, या एक्सिस बैंक है, तो ये इसके शुरू के नाम को डिनोट करेंगे, बैंक कोड वहां पर दिखेगा, स्पेशली ये लेटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच के जो होते हैं वो कंट्री कोड होते हैं, ये भी लेटर्स में ओनली शो अप होगा, और लास्ट में जो तीसरा आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको लोकेशन कोड, मतलब 4 अंक इनके बैंक कोड के, 2 कंट्री कोड, 2 जो हो गए आपके जो है लोकेशन कोड, और लास्ट में 3 जो बचते हैं वो 3 आपके हो गए ब्रांच कोड। जी हाँ, ब्रांच कोड। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि 8 से 11 अंक का स्विफ्ट कोड होता है। ज्यादातर हमको केसेस में 11 अंक का ही देखने को मिलता है क्योंकि स्विफ्ट कोड पूरा होता है, लेकिन कुछ ऐसी बैंक्स हैं जहां पे सिर्फ 8 अंक का ही मिलता है, तो मुझे नहीं पता वो कौन कौन सी बैंक है, इसको रिसर्च करके मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादातर बैंकेज में यही होता है। तो अब आप चलो हम एक उदाहरण लेते हैं एसबीआई का, कैसे हम फाइंड करें। एसबीआई का फाइंड करना बहुत आसान है, इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी आप बड़ी आसानी से इसको स्विफ्ट कोड को फाइंड कर सकता है। सबसे पहले देखो मेरी जो सजेशन है, हम सबसे पहले हम आपको सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, गूगल पे आकर आप स्विफ्ट कोड वहां पे सर्च मारना, सीधे सीधे आप देख लो यहाँ पे कितने सर्चेस हैं, बहुत सर्चेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान देना, एक एक चीज है, कुछ भी मिस नहीं करना। ठीक, सबसे पहला स्टेप आप ये कर लेना, स्विफ्ट कोड आप लेने से पहले आपकी जो मेन ब्रांच है या ब्रांच का जोनल ऑफिस कहाँ पे है आप जाके पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एसबीआई की ब्रांच है, आप पूछिए कि आपकी मेन ब्रांच इस जोन की या इस सेक्शन, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या भी लगता है आपके यहाँ, मुझे नहीं पता। जैसे मेरे यहाँ मेरी जो जोनल है या मेन ब्रांच जो है वाराणसी लगती है, जबकि मेरा जिला जौनपुर है, तो जौनपुर वाराणसी की दूरी 60 किलोमीटर है। ऐसे ही आपको इलाहाबाद में जोन मिल जाएगा, लखनऊ मिल जाएगा, और ऐसे बहुत से ऐसे शहर होते हैं उनके नजदीक का नियर बाई जो सबसे बड़ी सिटी होती है वहीं पर उनका मेन ब्रांच होता है, आपको ये पता करना है। ठीक है, और अब देखो हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेंगे अगर आपको पता चल गया। हाँ, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप सीधे बैंक में जाइए, सीधे बैंक में जाइए, और डायरेक्ट, कोई हिचकिचाना नहीं है, इंटरनेशनल पेमेंट आ रहा, बड़े आदमी हो, दिल को बड़ा करके जाओ, ठीक है, और पहुंचो केबिन में, मैनेजर के केबिन में जाओ और उनसे बहुत पोलाइटली बात करो, सर मेरा पेमेंट आने को है बाहर कंट्री से और मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, प्लीज़ उसको प्रोवाइड करा दीजिए। 5 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट नोट कर लो। मैं 2 बैंकों में गया, तीसरे में भी गया, तीनों में मुझे मिले स्विफ्ट कोड, मिले सिर्फ 5 मिनट में मुझे उन्होंने बता दिया। हाँ, एक बैंक में गया, वहाँ के बैंक मैनेजर को पता नहीं था, तो उन्होंने मेन हेड ऑफिस को कॉल किया, आप बोली सर प्लीज कॉल पे लेके आप मेरे को नंबर दे दो, ठीक है, लेके दे दिया, नहीं तो आपका नंबर सेव कर लेंगे, वो आपको मैसेज कर देते हैं, बहुत मतलब पोलाइटली आप जाके एकदम आसान भाषा में आप जाके उनसे बात करना। ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या करें, नहीं मिलता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको ये पूछ लेना है कि सर यहाँ पे इसकी मेन ब्रांच कहां पे है। ठीक है, वो सीधे बता देंगे कि आपका इस शहर में इसकी मेन ब्रांच है। अब उसके बाद आपको गूगल पे आना है, एकदम आसान से यहां पे सर्च कर लेना है। मेरे केस में दोनों, मेरे ब्रांच से भी मिल गया और मेरे को गूगल से भी मिल गया, और बहुत जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, गूगल पे बताने वाले सब फेक बंदे पड़े हैं। ठीक, अब एसबीआई का सबसे पहले उदाहरण ले, किसी बैंक का उदाहरण ले लोगे ऐसे ही उदाहरण मिल जाएगा, लेकिन मेरी सलाह यह है कि देखो पेमेंट का मसला है, आप एक बार ब्रांच जरूर जाना, ठीक है, लेकिन एसबीआई के लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना मेन हेड ऑफिस जो भी है पता होना चाहिए, ईस्ट बिट नॉर्थ जोन जो भी है आपका, आई डोंट नो। ठीक है, यहां पे जैसे हमने बताया एसबीआई एन, देख रहे एसबीआई, ये देखिए एसबीआई एन आई एन इंडिया कोड हो गया, यही मैंने बताया था ना अभी, तो देखो ये है, तो एसबीआई का जो कोड शुरू होगा एसबीआई एन आई एन बी बी, देख रहे हैं ये यहां तक एसबीआई एन आई एन बी बी, यहां तक कोड पूरे भारत में एक जैसा होगा,
ठीक है, एक जैसा होगा। उसके बाद लास्ट के जो थ्री कोड्स हैं ये हर ब्रांच के अलग अलग होंगे, एक्स 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 करके लिखा है तीन, ये सभी ब्रांचेस के ये कोड अलग होने वाले हैं। ठीक है, आपको जो भी कोड बदलाव मिलेगा सिर्फ यही मिलेगा, शुरू के सेम एज इट इज होने वाले हैं। और जो भी बैंक है ना, सभी बैंक को देखो किस प्रकार से वो अपने स्विफ्ट कोड को रखते हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं कि दो चार स्विफ्ट कोड ही पूरे भारत में चलता है, सिर्फ दो चार ही देखना है, उसमें से एक आपका होगा वो पूरे भारत में चलेगा। और कुछ बैंक ये है कि अपने जितने भी ब्रांचेस हैं उनके लिए अलग अलग से स्विफ्ट कोड उन्होंने अपना रख रखा है, जैसे कि SBI। अब SBI हमने यहाँ पे देख लिया क्या है, SBI NINBB मेरे केस में 125 है, 125 लास्ट में 125 ये मेरे बैंक से मिला। उसके बाद आप देखो यहाँ पे दूसरी साइड दिख रही ना, SBI स्विफ्ट कोड NRI करके आ रहा है, एकदम ऊपर ही आ रहा है, सर्च के बाद नहीं आ रहा है तो हम लिंक दे दे रहे हैं। ठीक है, लिंक दे रहे हैं, जाके आप चेकआउट कर लेना। आपको सीधे यहां पे क्लिक करना, देखो भाई कैसे, मैं यहां पे क्लिक करके अभी मैं यहां पे सर्च कर देता हूं। ठीक है, ये देखो हमने क्लिक किया, यहां से अभी मैं निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखना SBI का कितने आसानी से मिल गया, जैसे हमने बताया था एज इट इज, देखो सब कुछ आ गया है आपके सामने, सभी ब्रांचेस के देखो कोड कहां से कैसे स्टार्टेड है, आप देख सकते हो कि SBI NBB करके स्टार्ट है, ये देखिए SBI NBB करके सभी ब्रांचेस के कोड जो है स्टार्ट है, ध्यान से देखो। ठीक है, लास्ट के ये 4776 ये थोड़ा थोड़ा अलग है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है अपना जो भी आपको पता है कि मेन ब्रांच मेरी कहाँ है। जैसे मेरे केस में अब मैं यहाँ पे जो है कंट्रोल के साथ F प्रेस करता हूँ, उसके बाद देखो मेरा क्या है कि वाराणसी मेरी मेन ब्रांच है ना, तो वाराणसी हम डालते हैं, देखो ये आ गई वाराणसी, ओवरसीज वाराणसी SBIN 125। ठीक है, आप लखनऊ से हो, आई डोंट नो कहीं से भी हो, आपने यहां पे डालना है लखनऊ, ये लखनऊ, ये देखो 763 लखनऊ। आप कहां से हो भाई, मेरे को नहीं पता, दिल्ली, दिल्ली, ये दिल्ली डाला, ये एग्जैक्ट है भाई, कोई इसको प्रूफ करके गलत नहीं कर सकता, इतने मैंने रिसर्च के बाद ये वीडियो बताया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। ठीक है, अब देखो कोई भी ले लो, आप मुंबई ले लो, यहां पे हमने क्या करा पूरा मिटाया दिल्ली को, फिर से सर्च पे मारा मुंबई, मुंबई ले लो। ठीक है, ये देखो सलोन मुंबई का आ गया पूरा, अब देखो पुणे रोड का भी आ गया, लक्ष्मी रोड का। ठीक, अब कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस है, ध्यान से सुनना वीडियो। ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहना। देखो अब तो पता चल गया कैसे निकालना, ऐसे सभी बैंकेस के आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो दूसरी चीज, ये सहारा ले सकते हो आप, इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लो और अपना डिटेल वो मांगेंगे, आप वेरीफाई कर लो, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना। ठीक, ऐसी स्थिति में वो आपको वहां से भी वो हेल्प कर देंगे। ठीक है, कुछ केसेस में ये भी देखने को मिला है कि जैसे आप बैंक का रिपोर्ट निकालते हो सालाना, तो वहां पर भी ये कोड लिखे हुए मिल जाते हैं। ठीक, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, SBI हो तो कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं पे खोज लेना है, बस आपको पता करना है कि मेरी मेन ब्रांच क्या है। आप वहां पे जाके ना चपरासी से भी पूछ लोगे कि मेरी मेन ब्रांच कहाँ है, बता देगा बनारस है, लखनऊ है, या मुंबई है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, जहां भी है वो बता देगा, वहां का फोर्थ क्लास का एम्प्लॉय भी आपको बता देगा। तो मेरे हिसाब से आप बड़ी आसानी से आप जो है इसको सर्च आउट कर सकते हो, आज के बाद आपको एक भी समस्या नहीं होने वाली। जी हाँ, नोट कर लीजिए, नहीं होने वाली। दोस्तों मुझे पता है आप एक यूट्यूबर हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। हाँ, एक चीज और, हर यूट्यूबर चाहता है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं कंटेंट क्रिएट करूं और लोगों तक बेचूं। अगर आप एक कोई भी कंटेंट सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मैं एक जो है प्लेटफॉर्म को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां पे जाके आप अपने कंटेंट को सेल कर सकते हैं, बहुत कम पैसे वहां पे लगेंगे उस प्लेटफॉर्म पे। अपना खुद का एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनवाइए, या फिर आप अपना वेबसाइट लॉन्च करिए, अच्छी से अच्छी वेबसाइट आप लॉन्च करके महज अपने कोर्सेज को पूरे इंडिया में सेल करके आप लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब से आप 2-4 हजार कमा रहे हैं, लेकिन उतने ही सब्सक्राइबर में, 2000 के सब्सक्राइबर बेस पे आप 1-1 लाख रुपए कमा सकते हैं, 5-5-10-10 हजार रुपए का कोर्सेज सेल कर सकते हैं। तो क्यों आप वेट कर रहे हो, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां पे भर दो, आप डेमो ले लो, पहले देखो डेमो लो, उसके बाद डिसाइड करो मुझे एप्लीकेशन बनवाना है, वेबसाइट बनानी। बहुत आसान सी वेबसाइट होगी, कोई भी बंदा बहुत मिनिमली उसको ऑपरेट कर लेगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा बताना नहीं भूलेगा, और ये वीडियो इंटरनेट पे मौजूद सभी वीडियोस में सबसे बेहतरीन मेरा वीडियो है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा पूरा रिसर्च के बाद, और मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मुझे पता है जो बैंक से मुझे मिला वो यहां भी मैंने मैच करा, सब कुछ मुझे मिला है, तो आपको भी मिला। वीडियो बहुत मुझे बहुत वैल्यूएबल रहा, मुझे लगा अच्छा लगा, और आप प्लीज लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप अपना प्यार बनाए रखना, किसी भी बैंक का जो मैंने प्रोसीजर बनाया ये आपको फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, फॉलो करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही।